कर लेता है कि कोई सो रहा है क्या कुछ है कपड़े घी और बत्ती खत्म हो गए हैं कल से फरमाइशें ना करना एक तो सुबह सुबह तुम्हारी चिक चिक शुरू हो जाती है चिक चिक तुम्हारी फरमाइशें खत्म नहीं होती मुझे चाय चाहिए मुझे पराठा चाहिए कहां से पूरा करूं सब कुछ क्या अपना आप बेच दूं तो जितना कर सकता हूं ना कर रहा हूं अब क्या चोरी करूं टका डालूं सुकून से खा भी नहीं सकता हां तो और किससे मांगूं हमें तो पैदा ही मुश्किलात देखने के लिए किया है साहब बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं क्या आपको नहीं लगता कि खुदा ने इंसानों में भी तफरीक कर रखी है कुछ अमीर हैं जिनको दुनिया की हर आसाइश और सहूलत मुयसर है और कुछ मुझ जैसे गरीब हैं जिनको बस मुश्किलात और परेशानियों के लिए चुन रखा है आपको नहीं लगता कि खुदा हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है यार तू रक्षा चला मेरे पास ऐसी बातों का टाइम नहीं है मुझे जल्दी पहुंचना है हेलो हाँ सगीर बोलो हाँ अमित भाई क्या हाल है किधर गायब हो यार क्या हुआ परेशान लग रहे हो और नहीं नहीं यार बस रिक्शा चला रहा था अभी एक सवारी उतारी है बस अगली सवारी के इंतजार में था हाँ अमित भाई अच्छा है काम चलना चाहिए यार मगर जरा ध्यान से आजकल हालात खराब हैं सवारियां अक्सर अपना सामान भूल जाती हैं हाँ ठीक है चलो मैं आपसे ना बाद में बात करता हूँ परेशान लग रहे है और देखो ऐसे ही इसका रिक्शा खराब हो गया और इस बैग में क्या है कुछ कपड़े ओ साहब जी रिक्शा तो कट हो गया ओए बजे ओए बजे हमें देख के बड़े बड़े स्टार्ट हो जाते हैं रिक्शा चल निकल बैग में मैं तुमसे बात कर रही हूं
चलो पहली बार तुमने कोई अच्छा काम तो किया। मगर हम ये कैसे रख सकते हैं? देखो तुमने पैसे वापस करना चाहे, तुम पुलिस के पास भी गए मगर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो फिर पैसे रखने में हर्जी क्या है? नहीं, मेरा जमीर इस बात की इजाजत नहीं देता। तो तुम्हारा जमीर रिक्शा चलाने की इजाजत दे देता है? मैं रिक्शा चला के जिंदगी गुजार सकता हूँ मगर जमीर का सौदा करके नहीं। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, हम इन पैसों से क्या कुछ नहीं कर सकते, हमारे हालात बदल सकते हैं, तुम्हें रिक्शा भी नहीं चलाना पड़ेगा, बस अब मैं मजीद एक रिक्शा ड्राइवर की बीवी बनके जिंदगी नहीं गुजार सकती। बस मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। आप वाकई फरिश्ता सिफ्त इंसान हैं। नहीं, शुक्रिया किस बात का, ये आपके ही मानत थी। जिस कार ने मेरी मदद की है अब ये आपकी मदद करेगा। बस यही थी इन दोनों की कहानी। ईमानदारी और लालच की दौड़ में ईमानदारों की हमेशा जीत हुई है, फिर चाहे वो रिक्शे में ही क्यों ना हो।